Hello students, this is the chapter of 7th class, but I think you should also know these points. So I am taking this chapter, it's not a chapter basically, it's some tips to use a lab, the do's and don'ts, jo hame kaam karna chahiye ya nahi karna chahiye. These are few points. Remove your shoes, aisa hum aksar karte hain. जब भी हम लैब के अंदर आते हैं अपने शूज़ को क्लासरूम में ही निकाल के आते हैं. क्लीन योर कंप्यूटर विद अ सॉफ्ट और ड्राई क्लोथ्स. ये स्टूडेंट्स का नहीं, ये हमारे जो वर्कर्स हैं, जो आंटियां हैं, वो हमारे लिए करती हैं. बट यू शुड रिमेंबर दैट जब हम घर में भी सफाई करें कंप्यूटर्स की, तो एक सॉफ्ट और ड्राई क्लोथ से करें. ऑलवेज कीप क्वाइट. ये तो लैब की नहीं क्लास की भी बात है. यू शुड ऑलवेज कीप क्वाइट. एंड और भी लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना है. और भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सो यू शुड बी क्वाइट. रिपोर्ट एनी प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर टू योर टीचर. लैब में एक हार्डवेयर इंचार्ज, एक टीचर हमेशा रहते हैं. सो वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर गेटिंग, यू डोंट हैव टू पैनिक. Just raise your hands and call your teacher or sir or the in charge of your lab so that he or she can rectify the problem. Shut down the computer properly. Hamein computer properly shut down karna chahiye. That means just putting the button off is not properly shut down. Ye aapko 6th 7th mein sikhaya gaya hai. Press on start button. Then go to shutdown. If you are not knowing, please call the teacher or the student who knows it. Alt plus F4 भी एक ऐसा बटन है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर्स को शट डाउन कर सकते हैं प्रॉपरली. नाउ द don'ts. डू नॉट ब्रिंक एनी फूड और ड्रिंक इन द कंप्यूटर लैब्स. फूड तो खैर नहीं लाते आप लोग, पर आई हैव सीन समटाइम्स you bring your water bottles. We have the taps on every floor. तो आपको bottles lab में लाने की ज़रूरत नहीं है. School लेके आएंगे आप, but you should not bring in the lab. क्योंकि अगर ये पानी गिर जाएगा keyboard पे या screen पे, तो it will damage them. And even the electric current can pass through. Do not hit the keys on the keyboard too hard. Buttons पे जोर जोर से प्रेस नहीं करना है. दे आर वेरी सॉफ्ट. आराम से दबाएंगे एंड इट विल वर्क. डू नॉट डैमेज, रिमूव और डिसकनेक्ट एनी लेबल्स, पार्ट्स, केबल्स और इक्विपमेंट्स. जैसा कि हम अपने घर में चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें स्कूल की भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. अगर बाय चांस कोई चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, आपको सिखाया गया है हाउ टू स्टार्ट द स्क्रीन, बाय चांस सीपीयू ऑन है और स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो वी हैव ऑलरेडी टॉट यू. अगर फिर भी नहीं आता, यू कैन कॉल द टीचर और योर लैब इंचार्ज. डू नॉट इंस्टॉल और डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर. ये तो मोबाइल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. अक्सर देखा गया है हम कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके डाउनलोड करने से वायरस भी कंप्यूटर्स में आ जाते हैं, इवन इन योर मोबाइल्स, और वो उन फाइलों को डिलीट कर देते हैं. सो हमें ना तो कुछ डाउनलोड करना है और ना ही किसी और भैया बहन की फाइलों को डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है. अक्सर ये पाया गया है कि हम अपनी फाइल तो बना लेते हैं और जो दूसरे भैया बहन हैं उनकी फाइलों को हम डिलीट या मॉडिफाई कर लेते हैं. सो डोंट डू दिस. जैसे कि आपके लिए वो फाइल इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी वो इम्पॉर्टेंट होगी. सीडी रोम्स एंड पेन ड्राइव्स, दीज आर नॉट अलाउड इन द स्कूल फॉर योर वर्क. खाली स्कूल पर्पस के लिए है. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज़ द पेन ड्राइव और सीडीज, प्लीज़ टेक द परमिशन. अनलेस एंड अंटिल यू गेट द परमिशन, you can't use them. If you leave the lab, do not leave your personal belongings.
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अक्सर पाया गया है हम अपनी बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल्स, हैंकीज लैब में ही छोड़ जाते हैं और फिर दोबारा क्लासरूम से वापस आते हैं. मैम, आई लेफ्ट द बिलोंगिंग्स, सो बिफोर लीविंग द लैब जस्ट चेक इट आउट, जो आप लाए थे सामान वो साथ लेके जा रहे हैं कि नहीं. राइट दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक, दिस इज़ योर एक्टिविटी एंड डेकोरेट इट फ्रॉम द बॉर्डर्स. आई विल शो यू इन द स्क्रीनशॉट. थैंक यू.